तो हेलो व्यूअर्स, दिस इज शांत एंड यू आर वाचिंग लाइफ इज ऑसम। तो देखिए, ये घर का मैं तो वीडियो अपलोड किया हूँ ऑलरेडी, बट आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा घर का कैलकुलेशन है एंड इन्हू है हाउस ओनर मिस्टर मल्लिकार्जुन। और जैसे आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट में, जिसके अंदर जितना भी खर्चा आया हुआ है, कहाँ तक बोले तो पूरा प्लिंथ लेवल तक हो, या फिर किचन टाइल्स, या फिर किचन में और एक टाइल्स लगाने के लिए कितना खर्चा आया हुआ है, पूरा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा इस वीडियो में। एंड सबसे पहले सब्सक्राइब करें लाइफ इज ऑसम सिविल, एंड वेरी मच थैंकफुल टू द हाउस ओनर मिस्टर मल्लिकार्जुन आल्सो, जिसने रियली कोई भी घर वाले जो है एक अपना एक्सपेंस बताने नहीं बताते, बट रियली इज़ अ वेरी गुड एंड काइंडहार्टेड पर्सन। सो लेट्स आस्क डायरेक्टली टू द हाउस ओनर। हेलो ब्रो, वेलकम। और तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो आज पूरा कंप्लीट बता देंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो हेलो ब्रो, वेलकम। एंड पहला हम आपको पूछते हैं कि कितना खर्चा हुआ है टोटल में, एक राउंड अप बता दीजिए पूरा कंस्ट्रक्शन करने में, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। टोटल है टोटल है फोर्टीन लैक्स। ओके, अराउंड 14 लाख खर्चा है। तो इसमें पहला स्टेप आता है कि फुटिंग, इसके फुटिंग हो गया, फुटिंग में जो है हम कॉलम डालते हैं पूरा कंप्लीट, उसके बाद प्लिंथ लेवल तक आते हैं। तो प्लिंथ लेवल मतलब जमीन से 3 फीट, या फिर जमीन से डोर लेवल मतलब 5 फीट तक, जमीन से 5 फीट ऊपर हम आते हैं। तो वहाँ तक कितना खर्चा हुआ है? थ्री लैक्स। तो अराउंड 3 लाख वहाँ तक आपको पूरा पाया पड़ गया है। तो देखिए, पाया मतलब जैसा ये डोर लेवल है ना, यहाँ तक पूरे आ जाते हैं। ओके, एंड पूछते हैं हम इन्हें कितना कॉलम्स पड़े हैं इस घर के लिए, और आपका प्लॉट साइज़ भी बता दीजिए, प्लॉट साइज़ और कॉलम कितने हैं इसमें? 28x30। एंड प्लॉट साइज़ 28x30, प्लॉट साइज़ कॉलम्स कितने हैं? 12। ओके, एंड कितना रूम्स है? 4 रूम्स 1 BHK प्लस 1 BHK। ओके, तो वहाँ तक तो हो गया। फिर नेक्स्ट आता है दीवार के बाद लिंटल लेवल, ये हमारा दीवार है, दीवार के बाद फिर लिंटल लेवल के बाद आते हैं नेक्स्ट स्लैब लेवल तक, वहाँ तक कितना खर्च पड़ता है? लेट्स सी, तो दीवार के लिए कितना खर्चा हुआ होगा? 1.5 लाख। हाँ, और जब आप छत डालते हैं ना, छत डाल दिए तो वहाँ तक कितना खर्चा हो गया छत तक? 2.5 लाख। और कुछ वर्कर कितना लेते हैं, कुछ चार्ज बचा सकते हैं? वर्कर का नहीं है, वो कुत्ता दे दिया। अच्छा, तो देखिए स्लैब के लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है अराउंड, फिर मटेरियल वो सब इंक्लूड है, मटेरियल सब इंक्लूड करने के बाद पूरा कॉस्ट पड़ जाता है अराउंड 3 लाख प्लस एडिशनली। तो यहाँ तक 6 से 6.5 लाख तक यहाँ तक हो गया। फिर बात करते हैं हम प्लास्टरिंग के बारे में, तो प्लास्टरिंग में कितना खर्चा हो गया और कॉन्ट्रैक्ट कितने में दिए हैं इस प्लॉट साइज़ के लिए? प्लास्टरिंग गिलाव कैसे पड़ते थे? गिलाव का 80,000। प्लास्टरिंग करने 80,000। मत मटेरियल सब कर, कितना मटेरियल लगाया? मटेरियल 1,20,000 था ना मटेरियल। और नेक्स्ट मटेरियल के बाद आता है नेक्स्ट पेंटिंग, प्लास्टरिंग के होने के बाद पेंटिंग और लफम। तो पेंटिंग पेंटर को कितना पैसे दिए है और क्या रेट कॉन्ट्रैक्ट था और कितना खर्चा है पेंटिंग के लिए, वो भी बता दीजिए। 25 लेबर चार्ज। ओके, और एक 20,000 कलर्स। अच्छा, ठीक है। तो कलर हो गया, कलर पेंटिंग हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी में कि टाइल्स के लिए कितना खर्चा पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो खूबसूरत सा एकदम किचन टाइल्स काफ़ी खूबसूरत है, और इसी तरह से सभी घर में भी दोनों पोर्शन में इसी तरह से लगाए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बता दीजिए, ये ग्रैनाइट है या फिर वेट्रीफाइड टाइल्स है, वो बता दीजिए। टाइल्स है, ग्रैनाइट नहीं है। ग्रैनाइट नहीं, बट इसका लुक जो है ग्रैनाइट के जैसा ही है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये टाइल्स है। इसका साइज़ 2x2 का कुछ, 2x2 का साइज़ है, 2 फीट बाई 2 फीट, मतलब ये सेंटीमीटर में मिलता है एक्यूरेट साइज़ में, 60 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। और एक ग्रैनाइट के जैसा दिख रहा है बट एक्चुअली टाइल्स है। एंड इसका कॉस्ट भी पूछ लेते हैं। तो व्यूअर्स, टाइल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, इसका साइज़ 16x60 सेंटीमीटर। तो इसका क्या कॉस्ट है टाइल्स का? टाइल्स का
टोटल है दो अमाउंट। एक बॉक्स में कितना मिलते हैं एंड ये आप पर स्क्वायर मीटर खरीदे या फिर किस तरह से खरीदे हैं? बॉक्स पीस 850 थ्री पीसेस। कितना पीसेस? थ्री पीसेस। तीन पीसेस। हाँ ओके। और अराउंड कितना खर्चा हुआ है लेबर चार्ज और टाइल्स का पूरा घर के लिए? 95,000। तो करीब करीब 1,00,000 तक खर्चा आया हुआ है। तो अब नेक्स्ट सवाल आता है प्लम्बर वर्क। काफ़ी बारीकी से काम करने वाला वर्क है प्लम्बिंग का, बिकॉज अगर कहीं पे भी खराबी हो गया ये आपको प्रॉब्लम अब नहीं दिखाएगा, करीब एक 2-3 साल के बाद लीकेज होने का प्रॉब्लम, डैम्पनेस का प्रॉब्लम दिखाता है आपके घर में। तो कभी भी आप प्लम्बर को हायर करते हैं वर्कर को, और कभी भी एक एक्सपर्ट को रखना बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज उन्होंने एक्सपर्ट है तो समझ लीजिए आपका घर का आयु भी जो है ज़्यादा ही रहेगा। बिकॉज अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गया तो डैम्पनेस शुरू होता है, डैम्पनेस से शुरू होता है क्रैकनेस से फिर आपको जंग भी होने का चांसेस रहता है आपके कॉलम के बार में, तो सब अवॉइड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस घर के लिए कितना कॉस्ट आया है इस प्लम्बिंग के लिए एंड उसका विथ मटेरियल के साथ और लेबर चार्ज। तो बताइए सर कितना कॉस्ट आया प्लम्बिंग एंड विथ वर्कर चार्ज? 90,000 आया एंड तो यहाँ पे सभी तरह जो है ऑफसेट दिया गया है, तो एक ब्यूटीफुल लुक ऑफ द हाउस। तो थैंक यू सो मच, आई होप कितना कुछ तो कुछ हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। एंड और एक मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सभी को मैक्सिमम कंफ्यूज होता है कि घर कितना हाइट पे लेना चाहिए, तो डायरेक्टली पूछते हैं हम ओनर से ही। तो देखिए दोस्तों जाते जाते और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी को, डायरेक्टली पूछते हैं हाउस ओनर से, बिकॉज इन्हों तो स्टार्टिंग से थे एक्चुअली, इनको मालूम भी रहता है सब कुछ पूरा कंप्लीट डिटेल इसके बारे में। तो देखिए ब्रदर, आप जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे थे या फिर प्लिंथ बीम डालते वक्त आपका पार्किंग लेवल कितना हाइट पे लिए है और आपका ये जो डोर लेवल दिख रहा है ना ये कितने हाइट पे आप लिए थे उस वक्त? उस वक्त देखो 3.5 फीट तक लिए पार्किंग का। ओके। और इसके डोर तक क्या है 1.5 फीट ज़्यादा बड़ा है जी। तो उससे कम लेना चाहिए या नहीं? नहीं चलो ज़्यादा रहना ना, और आगे आगे प्रॉब्लम होता ना, और रोड बनाए तो प्रॉब्लम होता है। थैंक यू सो मच ब्रदर एंड विश यू ऑल वेरी गुड लक ओपनिंग ऑफ द हाउस ऑन आई थिंक इन द नवंबर मंथ। गॉड ब्लेस टू योर फैमिली विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर फैमिली। थैंक यू। ये कुछ सिंपल व्यूज़ हैं। अभी इसमें वर्क अभी थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके बाद और एक बार आपको मैं अपलोड कर दूँगा। बट कलर देखिए दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल है एंड टेक्स्चर्स, ये पेंटर वर्क है, यहाँ पे टेक्स्चर्स आप देख सकते हैं एंड ऑल द चॉइस ऑफ द ओनर्स चॉइस। यहाँ इस घर के लिए कोई इंजीनियर या फिर कोई भी नहीं था, टोटली द चॉइस ऑफ द ओनर। कलर चॉइसेस काफ़ी खूबसूरत है जैसे आप अंदर भी देखे हैं एंड बाहर भी देखे हैं, और टेक्स्चर्स ये तो पेंटिंग वर्क में आता है, पेंटर जो बनाते हैं एंड छोटे छोटे ग्रूव्स अराउंड 6 इंच एंड गैप 1 इंच का गैप प्लास्टरिंग डिज़ाइन में। तो एक कम बजट में आप भी अपने घर के लिए बना सकते हैं, अराउंड 12 to 16 लाख का खर्चा आता है फिलहाल इस पीरियड में, मतलब अराउंड 2018 टू इन बिटवीन टू 2020। तो बना सकते हैं आप एक ब्यूटीफुल मीडियम साइज हाउस, ब्यूटीफुल हाउस अराउंड 12 to 16 लाख इन बिटवीन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।